हंगामा टाइम। हंगामा टाइम जिस तरीके आपको दिखाता है कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग मोती नगर के लीलावती अनाथालय में हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, हमारे साथ में राजेंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि समाज सेवक है, जो है वैश्य समाज सेवा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। तो आज उन्होंने यहाँ पे मोती नगर में लीलावती अनाथालय में उन्होंने बच्चों को जो है कुछ खाने का सामान वितरण किया है, साथ में उनको स्टेशनरी का सामान वितरण किया, साथ में उनके जो खेल कूद का भी सामान वितरण किया। कहते हैं अभी तो जो पितर पक्ष चल रहे हैं, पितर पक्ष में अगर आप जितना भी दान करो उतना ही बहुत अच्छा होता। तो हमारे साथ में राजेंद्र गुप्ता जी, तो उनसे बात करेंगे कि आज जो उन्होंने पितर पक्ष के दिन पे इतने अच्छा कार्य किया है, जिनका कोई नहीं होता, उन बच्चों के पिता बन करके उनके सर पे हाथ रखा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो हंगामा टाइम को धन्यवाद करता हूँ, जो हमारी आवाज़ के अनाथ आश्रम वालों को हम लोग हर साल कुछ ना कुछ देते रहते हैं। इसमें दवाइयाँ भी कभी कभी देते हैं, दूध के डब्बे जो है दूध के डब्बे भी देते हैं, बाकी अनाज में जैसे कोई अरहर की दाल नहीं देता है, तो ये वो कहते कि चावल भी आ जाता है, आटा भी आ जाता है, कई चीज़ें आ जाता है, अरहर की दाल नहीं आती, तो हम लोग बीच बीच में अरहर की दाल भी भेजते हैं। और साल में यहाँ पर 2-3 बार आते हैं हम लोग। बस हमारे साथ अनिल जी भी, तो उनसे बात करेंगे, तो सर क्या कहना चाहेंगे आज? ये प्रत्येक वर्ष की बात, इस बार भी राजेंद्र गुप्ता जी द्वारा ये सामान का वितरण होता है, और हम लोगों का जो टीम है वो ये कोशिश करती है कि शहर में जितने भी अनाथालय हैं, जहाँ पर भी किसी को मदद की जो ज़रूरत है, वहाँ की संचालिका से पूछ के और उनके आवश्यकता अनुसार हम लोग सामान का वितरण करते हैं। तो ऋषि जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह पितर पक्ष भी चल रहा है, पितर पक्ष में कहा जाता है कि जो हम लोग दान करते हैं वो हमारे जहाँ जो भी स्वर्गवासी होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास जाता है। बिल्कुल, उनके पास भी जाता है और हम लोगों को बहुत फलता है। तो पितृपक्ष का दान तो अपने आप में सबको मालूम है, बहुत महत्वपूर्ण है। और श्री राजेंद्र भैया जी के द्वारा आज हिंदू महिला मंडल वैश्य समाज शिमला परिवार की ओर से हम सब यहाँ पर जो भी वितरण करने आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मैं भैया के साथ जुड़ी हूँ और आज मैंने इस दान में अपना भी एक योगदान दिया है। मैं बहुत खुश हूँ और प्रसन्न हूँ इसके लिए। उपाध्याय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग हिंदू महिला मंडल और राजेंद्र गुप्ता जी से जुड़े हुए हैं और उनके सौजन्य से आज हम लोग इस अनाथ आश्रम में आए हुए हैं। देखिए, पितृपक्ष बहुत अच्छा समय चल रहा है, इस समय जितना दान किया जाए उतना अच्छा है, और ये हमेशा जो है दान पुण्य में आगे रहते हैं। लखनऊ में कहीं पर भी अनाथ आश्रम हो, वहाँ पर दान पुण्य का, पढ़ाई लिखाई का सामान, स्टेशनरी का, जितना भी कपड़े हैं वस्त्र सब करते हैं, तो हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो आज उनके साथ यहाँ पर आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज हम लोग आए थे लीलावती अनाथालय में, जहाँ समाज सेवक राजेंद्र गुप्ता जी के द्वारा अनाथ बच्चों को सामान वितरण किया गया। कहते नहीं, तो दान करते हैं दान होता है, महाकल्याण भी होता है, तो जितना हम लोग दान करते हैं उतना ही हम लोग का महाकल्याण भी होता है। तो पितर पक्ष के दिन पे जो ऐसे दिन चल रहे हैं, जहाँ पे जो है राजेंद्र गुप्ता जैसे लोग पंडितों में ना करके ऐसे बच्चों में दान करते जिनको आवश्यकता होती, कहते नहीं जरूरतमंद तक जो जरूरत पहुँचाए तो वो जरूरत उनके तक बहुत अच्छे तरीके से पहुँच जाती है। तो ऐसे ही राजेंद्र गुप्ता जी हर तरह से लोगों तक पहुंचते रहते हैं और उनकी जरूरत को पूरा करते हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।